अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सावन हुसैन खरल और आप देख रहे हैं लर्न राइट नाउ। लर्न राइट नाउ के इस प्लेटफॉर्म में हमने एक ऑनलाइन लर्निंग जो है प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसमें हम डिफरेंट जो है सेगमेंट हमने ऐड किए हुए हैं। इन सेगमेंट में हमारे पास UHS MDCAT, ईटा, CSS, PMS और ओ लेवल और ए लेवल शामिल है। इस ई लर्निंग एकेडमी में आप जो लोग हैं वो इन तमाम जो सेगमेंट हैं इनके मुतल्लिक हमसे मालूमात ले सकते हैं और हमारे कोर्स जो है उनको रिव्यू कर सकते हैं। आज के सेगमेंट में हमारा जो आज का सेगमेंट है उसमें हमने MDCAT के हवाले से बात करनी है और MDCAT में आने वाले मसाइल और उसके टेस्ट के हवाले से जितने भी जो इश्यूज़ हैं जो स्टूडेंट को पेश आते हैं उन पर बात करेंगे। लर्निंग जो ऑनलाइन लर्निंग है उसका जो प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई ख़ास इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है और बहुत कम जो है लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। तो लर्न राइट नाउ जो इस वक्त मौजूद में आया है और ये जो ऑनलाइन लर्निंग की प्लेटफॉर्म है इसमें डिफरेंट सेगमेंट जिसको हमने अता किया हुआ है उसमें हमने मेन जो फोकस है वो MDCAT पर किया हुआ है और MDCAT पर मुफसल जो है हम बात इस पर करते हैं। तो आज के इस टॉपिक पे, आज के इस टॉक में जो मेरे साथ मौजूद हैं वो एक डॉक्टर हैं पेशे के से और उन्होंने MDCAT का उनका बेहद एक्सपीरियंस है। वो पिछले 5 साल से जो है वो MDCAT की क्लासेस ले रहे हैं और ख़ास तौर पे इससे इन टच है। तो हमारा इस टॉक का मकसद ये है कि स्टूडेंट को मुकम्मल तौर पे जो है इन्फॉर्म किया जाए, उनको बताया जाए कि उनको जो भी उनके मसाइल हैं इस हवाले से उनका एक तो उनको सोल्यूशन बताया जाए और दूसरा इस सिचुएशन में जो इस वक्त हम सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो पेंडेमिक के सिचुएशन में पेश आ रही है, इस सिचुएशन में जो है वो किस तरीके से बेहतर तैयारी कर सकते हैं उस पर मुफसल जो है गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर अकबर साहब। आप जो हैं इस वक्त पेशे के हवाले से डॉक्टर हैं और पिछले जो 4-5 सालों से जो है इसी सेगमेंट में अटैच है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारे साथ लर्निंग लर्न राइट नाउ में एज आ जो टीचर जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इनको इस हमारे पूरे जो प्लेटफॉर्म है इसका बेहतर तरीके से इदराक है। तो मैं अब गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ बाकायदा और इनकी तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो MDCAT का एक्सपीरियंस आपने ख़ुद फेस किया हुआ है आज से 4-5 साल पहले, जो आप जब एज ए स्टूडेंट थे उसमें, तो आपको उसमें बहुत से मसाइल पेश आए होंगे, आपको उसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ फेस की होंगी और ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस था वो MDCAT का वो कैसा रहा? सबसे पहले अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो MDCAT सिर्फ 3 महीने का नहीं होता। तो स्टूडेंट्स के माइंड में जो कॉन्सेप्ट होता है कि MDCAT की क्लासेस सिर्फ 3 माह होती हैं और इन्हीं 3 माह के अंदर ही ये डिसाइड किया जाता है कि वो आफ्टर लाइफ में अपने वो डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो ये डिसीजन सिर्फ 3 माह का नहीं होता। MDCAT की तैयारी आपकी F.Sc के पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाती है और अगर हम इंटरेक्शन करें, हम जब सर्वे करते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स का, जब हम उनका रिव्यू लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो ये कहते हैं कि मिस्टेक हमसे कहाँ पे होती है। मिस्टेक उनसे ये होती है कि वो ये सोचते हैं कि MDCAT तो हमने सिर्फ 3 माह के अंदर ही तैयारी करनी है। हालांकि MDCAT जो सारा आता है वो आपकी F.Sc की बुक से ही आ रहा होता है और F.Sc के अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे फर्स्ट डे जो फर्स्ट ईयर का आपका होता है वहां से ही अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो वही स्टूडेंट ही सक्सेसफुल होते हैं अपने MDCAT के अंदर जो शुरू से ही तैयारी करना स्टार्ट होते हैं। और अगर आप बात करें पहले के मसाइल और आज के दौर के MDCAT के डिफरेंस के बारे में, तो पहले MDCAT के अंदर उतनी रिसर्च नहीं हुई हुई थी, उतना वर्क नहीं किया था लोगों ने, उतनी बुक्स की वैरायटीज नहीं थी, उतने लेक्चर्स की वैरायटीज नहीं थी, ठीक है। आजकल तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं स्टूडेंट्स के पास, लेकिन अब 2 चीजों में डिफरेंस आता है। डिफरेंट चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना होता, आपने फोकस्ड रहना होता है टेक्स्ट बुक्स के ऊपर और उनकी तैयारी के लिए आपको जहां से लेक्चर्स मिलते हैं, जहां से आपको डाटा मिलता है, आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, उसके ऊपर वर्क करें और अपनी तैयारी और अपने नॉलेज में इजाफा करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है MDCAT में कॉन्सेप्ट्स, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये 3 माह के अंदर जनरेट नहीं हो सकते, ये आपके कॉन्सेप्ट्स जनरेट होते हैं फर्स्ट ईयर के पहले दिन से ही स्टार्ट होते हैं। तो अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस में हम यही देखते हैं कि वही स्टूडेंट्स
नीचे जा रहे होते हैं या वो एम डी कैट में फेल हो रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स ये सोच के आते हैं कि हमने एम डी कैट सिर्फ 3 माह में करना है. एम डी कैट इज नॉट अ थिंग ऑफ 3 मंथ्स, ये आपकी स्टार्ट होती है फर्स्ट ईयर के पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाती है. तो जो स्टूडेंट्स एम डी कैट को माइंड में रखते हैं फर्स्ट ईयर के पहले दिन से ही, वही स्टूडेंट्स आगे जाके सक्सेसफुल हो रहे होते हैं. डॉक्टर साहब, आज कल जो हालात हैं ख़ास तौर पे COVID-19 के बाद, तो जो रेगुलर सेटअप था अकेडमीज़ का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और क्लासेस बिल्कुल नहीं हो रही, और इसके बाद एक ऑनलाइन लर्निंग का जो है सिस्टम शुरू हुआ है. तो ये जो COVID-19 के आने के बाद आप क्या समझते हैं कि कौन से मुश्किलात हैं इस वक्त तलबा को जो पेश कर रहे हैं? असल एक चीज़ होती है, वो कहते हैं कि अगर आपने कामयाब होना है ना तो हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना सीखें. अब पहले क्या था, पहले ये था कि फिज़िकल क्लासेस चल रही होती थी, स्टूडेंट्स आते थे एकेडमीज़ के अंदर. अब कोरोना की एक पेंडेमिक की इशू चल रहा है तो इन हालात के मुताबिक हमें अडेप्ट करना है. कोरोना आया है तो किसी एक स्टूडेंट के लिए, मेरे या आपके लिए नहीं आया, कोरोना सारे स्टूडेंट्स के लिए आया है. अगर इसका इफेक्ट होगा तो सारे स्टूडेंट्स पे होगा, अगर मेरिट अप जाएगा या डाउन जाएगा तो वो सारे स्टूडेंट्स पे उसका इफेक्ट होगा. अगर हम बात करें आज के इस पे इफेक्ट के बारे में, तो हमारी जो एक कन्वेंशनल तरीका चल रहा था हमारा एम डी कैट का, कन्वेंशनल मेथड ये था कि फिजिकल क्लासेस होती थी, टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे, चले जाते थे. अब हमने क्या करना है, हालात के मुताबिक अपने आप को ऑनलाइन क्लासेस की तरफ डालना है. ठीक है, तो ये आजकल जो हमारा जितना भी एम कैट की तैयारी चल रही है, एम डी कैट के जो लेक्चर चल रहे हैं, आई थिंक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं. अब डिफरेंस ये है कि कौन इस ऑनलाइन क्लासेस की तरफ बेटर वे में अडैप्ट हो जाता है और कौन इसको अच्छे तरीके से अडैप्ट नहीं कर पाता. डिफरेंस यही चीज क्रिएट करेगी कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे तरीके से अडैप्ट कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इस मेथोडोलॉजी को जल्दी से अडैप्ट कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप कामयाब हो जाएंगे. अगर अपने आप को आप अडैप्ट नहीं कर पाएंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे. तो कोरोना की पेश नजर आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ऑनलाइन क्लासेस की तरफ वो शिफ्ट हुए हैं. तो हमें क्या है, एज अ स्टूडेंट हमें इस चीज को अडैप्ट करना है, हमें इस चेंज को एक पॉजिटिव वे के अंदर लेके चलना है और अपनी तैयारी पे इफेक्ट नहीं होने देना, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग ही रखना है. ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट जो है बड़ा क्लियर है कि जो एक रेगुलर तरीका था लर्निंग का और एक ऑनलाइन तरीका, इसमें बड़ा फ़र्क है, और लोग समझते हैं कि जो एक ट्रेडिशनल वे है वो बड़ा मौसर था, उसमें जो लर्निंग ज़्यादा होती है. लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो कुछ नतज हासिल कर सकेगी, वो कुछ इफ़ेक्ट डाल रही है बच्चों की लर्निंग पर या नहीं डाल रही? अगर बात करें ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऑनलाइन क्लासेस का एक इफेक्टिव रोल भी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल क्लासेस. तो हमने उस चीज़ को बेटर वे के अंदर लेके चलना है. अगर हम ऑनलाइन क्लासेस को भी उसी कन्वेंशनल तरीके से लेके चलें तो उससे फिर फिजिकल क्लासेस ही बेटर थी. लेकिन अगर हम ऑनलाइन क्लासेस को बेटर इस तरीके से बना सकते हैं, उसमें वीडियोज़ ऐड करें, उसमें स्लाइड्स ऐड करें, बच्चों को समझाने के लिए मुख्तलिफ तरीके यूज़ करें, तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा वर्क करके हम इसको कन्वेंशनल मेथड से भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं. ठीक है, जैसा हमारे लेक्चर्स के अंदर हुआ है कि हमने कन्वेंशनल तरीके से भी ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा बेहतर बनाया है. तो ये बात है वर्किंग की, आपके हार्डवर्क की, कि आप किस तरीके से कितना सीरियस होकर उस चीज़ को लेकर चलते हैं. कन्वेंशनल तरीके से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑनलाइन क्लासेस को बनाया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम उसको लेके किस तरह चल रहे हैं. लर्न राइट नाउ के प्लेटफॉर्म में आप मौजूद हैं और हमारी जो मेन प्रोडक्ट है इस वक्त वो MDCAT है, और हमने MDCAT के हवाले से जब इस पर काम किया, इस पर हमने उसकी रिकॉर्डिंग्स की, फिर उसमें हमने उस पर एडिटिंग की, वीडियोस की और बाकी चीज़ें जो हमने उसमें ऐड की, तो आप इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थे और आपने इसको बड़े क्लोज से आपने इसको देखा हुआ है. तो आप क्या समझते हैं कि जो बाकी इदारे इस वक्त ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं ख़ासतौर पर MDCAT के हवाले से, उनसे लर्न राइट नाउ कितना मुख्तलिफ है और कैसे मुख्तलिफ है? सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने. बात ये है कि मैं दूसरे इदारों के साथ भी मुंसलिक रहा हूँ और अभी भी मुंसलिक हूँ. इसमें लर्न राइट नाउ में और बाकी इदारों में डिफरेंस क्या है? बाकी इदारों में लर्न राइट नाउ में डिफरेंस ये है कि जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, उसी कन्वेंशनल तरीके को ही ऑनलाइन क्लासेस के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश की है. तो मैंने जैसे पहले बताया कि कन्वेंशनल मेथड जो हमारा फिजिकल लेक्चर्स का था कि टीचर आता है व्हाइट बोर्ड पे समझाता है और चला जाता है, ना कोई वो एनिमेशंस यूज करता है, ना कोई वीडियोस यूज करता है, ना कोई वो विजुअल एक्सप्रेशंस यूज करता है. ठीक है, तो वो कन्वेंशनल को ही जब हम ऑनलाइन के अंदर शिफ्ट करेंगे तो उसका आउटपुट कम होगा.
ठीक है, तो बाकी इदारों ने यह किया है कि वो उसी कन्वेंशनल तरीके को ही ऑनलाइन, सिर्फ उन्होंने आके जी नेट पे चला दिया है उसी कन्वेंशनल तरीके को, तो आउटपुट कम होता है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि ऑनलाइन को आप उससे बेहतर भी बना सकते हैं, ये बात है आपके हार्डवर्क पे। बाकी इदारे क्या करते हैं, बाकी इदारे जितने भी मार्केट्स में वो क्या करते हैं, वो पब्लिकेशन पे भी फोकस करते हैं, उनकी अपनी पब्लिकेशन अपनी बुक्स होती हैं, उनके अपने कन्वेंशनल तरीके हैं, उनके अपने टीचर्स उन्होंने रखे होते हैं, उन पर फोकस होता है, उनका मैनेजमेंट पर फोकस होता है, ठीक है, उनके अपनी अर्निंग पे फोकस होता है, तो ये सारी चीजें एक ही इदारा कंट्रोल कर रहा होता है। उससे अगर हम कंपेयर करें लर्न राइट नाउ को, तो लर्न राइट नाउ कोई मैनेजमेंट की तरफ नहीं है, पब्लिकेशंस की तरफ नहीं है, इसका फोकस सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स पे था। वो अपना आउटपुट जितना भी इनपुट दे रहे हैं वो अपना सारी चीजों पर दे रहे हैं, और ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस पे इन्होंने फोकस रखा है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक इदारा अगर 5-6 चीजों पर फोकस कर रहा है और एक इदारा सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रहा है, तो डिफरेंस आएगा कि अगर आप एक ही वक्त में 5-6 काम करने लग जाएं तो आपका ध्यान बट जाएगा, आपका फोकस बट जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही चीज के ऊपर फोकस रखेंगे तो आप ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। तो यही बेटरमेंट आई है लर्न राइट नाउ के प्लेटफॉर्म से, कि उन्होंने बाकी चीजों की तरफ डाइवर्ट नहीं हुए, वो क्या कर रहे हैं, वो लर्न राइट नाउ के प्लेटफॉर्म से सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस पे उन्होंने फोकस रखा है, और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है कि हमारी जो चीज है वो कन्वेंशनल तरीकों से हटके हो, और उन्होंने इसके अंदर बड़ी एनिमेशन डाली है, बड़ी वीडियोज डाली है, ठीक है, ये सारी चीजें आप देखेंगे लेक्चर्स के अंदर। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि वो इदारे जो हैं वो बाकी चीजों पे काम कर रहे हैं, वो 5-6 काम एक ही इदारा कर रहा है और उनका फोकस हर तरफ है, लेकिन लर्न राइट नाउ का फोकस सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस थी और उन्होंने इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की है। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की एमडीकैट स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है तैयारी का इतना आसान नहीं है, और इस सारे प्रोसेस को देखते हुए लर्न राइट नाउ ने जो आप लोगों के लिए बनाया उसमें हम 3 डिफरेंट चीज़ें आपको दे रहे हैं इस एक कोर्स में। उसमें हम क्या देंगे, उसमें हम आपको एक तो वीडियोस देंगे, हर कोर्स के हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे एक वीडियो मौजूद है जो एनिमेटेड है, जिसमें पिक्चर्स के साथ साथ आपको विजुअली दिखाया जा रहा है जो भी आप कुछ पढ़ रहे हो। उसके बाद दूसरा जो हम देंगे वो हम जो है वो क्विज़ देंगे, उस क्विज़ के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर हर टॉपिक लाइक हर चैप्टर जो है उसको फर्दर 50 MCQs में डिवाइड किया गया है। तो हर चैप्टर के बाद जब आप वीडियोस देखोगे उसमें आपको 50 MCQs मिलेंगे, उनको आप उसको हल करोगे ऑन वेबसाइट, और उसके बाद आपको उसमें सॉल्यूशन मिलेगा कि जो आपने हल किया है क्या ये ठीक है या क्या ठीक नहीं है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो है, हम जब ये आपकी पूरी प्रिपरेशन मुकम्मल हो जाएगी, आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, तो आपका UHS MDCAT पेपर के जो उसका स्टाइल है उसके मुतालिक उसके मुताबिक आपको एक पूरा पेपर मिलेगा और आप उस पेपर को हल करोगे। और ये एक पेपर नहीं होगा, ये 2-3 लॉन्ग पेपर होंगे जिसमें फिर आपको अंदाजा होगा कि आपकी टोटल जो तैयारी है वो कैसे हुई है। तो डॉक्टर साहब ने बड़े बेहतर तरीके से आपको बताया कि हमारा जो सेगमेंट है ये वाला MDCAT वाला ये किस तरह बाकियों से मुख्तलिफ है। डॉक्टर साहब एक और बड़ा सवाल है कि ये जो एनिमेटेड वीडियोज का कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान में पहले इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, और ख़ास तौर पे इस लेवल पे F.Sc के बच्चे जो होते हैं वो उनके पास टाइम नहीं होता इन सारी चीज़ों को देखने का, मोबाइल के साथ अटैच नहीं होते, वो बुक्स के साथ अटैच रहते हैं, अकेडमीज़ को में जाते हैं, तो अब उनको टोटल जब शिफ्ट हम कर रहे हैं, मतलब हम उनको एनिमेटेड वीडियोज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं, हम उनको पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये उन पर इफ़ेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा, और कितने इसके दूरदर्शन नतज होंगे? एनिमेटेड वीडियोस की जहाँ तक बात है, जो लर्न राइट नाउ ने हर लेक्चर के अंदर हमने एनिमेशंस को हमारा फोकस रहा है कि हम एनिमेशंस शो करें स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेडिकल की रिसर्च ये कहती है कि अगर आप किसी चीज़ को रीडिंग के थ्रू से लर्न करने की कोशिश करें और दूसरा अगर आपके पास विजुअल वे से आप उसको लर्न करने की कोशिश करें, तो अगर जो आप विजुअल वे से लर्न करने की कोशिश करते हैं वो जल्दी आप लर्न कर लेते हैं और वो लॉन्गर टाइम के लिए आपके पास रिटेन रहता है आपके माइंड के अंदर, तो वो चीज़ आपको भूलती नहीं है। जो आपका विजुअल एक्सप्रेशन है और विजुअल जो आप लर्निंग कर रहे होते हैं उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो एनिमेशंस का मकसद ही यही होता है कि जो स्टूडेंट्स लर्न करके या रीड करके ज्यादा देर के लिए रिटेन नहीं कर पाते वो विजुअल वे से उसको रिटेन कर लें, विजुअल वे से ज्यादा इफेक्टिव आउटपुट प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात ये है कि ये एनिमेटेड और लर्न राइट नाउ का जो प्रोसेस है इसका इफेक्ट क्या होगा बाकी स्टूडेंट्स पे, तो लर्न राइट नाउ के जो एनिमेशंस का ये सेगमेंट है और लर्न राइट नाउ के जो ऑनलाइन क्लासेस का सेगमेंट है, देखें जी जो कन्वेंशनल मेथड चल रहा था वो ये था
स्टूडेंट्स जाते थे एकेडमीज, जाते हुए सफ़र करते थे और फिर आते हुए फिर उनका टाइम वेस्ट होता था। यहाँ पे क्या होगा, इस ऑनलाइन क्लासेस जो लर्न राइट नाउ का प्लेटफॉर्म है, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे पहली बात यह है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप घर के इन्वायरमेंट में ही वही चीज़ प्रोवाइड करके, क्योंकि जब हम सेल्फ स्टडी करते थे तो सेल्फ स्टडी जो हमारे लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता है वहाँ इंसान ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो घर में आपके पास कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता है, आपकी एक आदत बनी होती है, आपने F.Sc वहीं से की होती है, आपने एग्जाम्स दिए होते हैं वहाँ से, तो आपके पास एक बड़ी एक की अच्छी रूटीन बनी होती है। तो पहली चीज तो यह है कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपके एक्सपेंसेस नहीं होंगे, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो इलाके हैं दूर दराज इलाके हैं, ठीक है, दूर दराज इलाकों में क्या होता है, दूर दराज इलाके का जब बच्चा लाहौर में MCAT करने आता है तो उसके एक्सपेंसिस आप देखें, सबसे पहले वो अडेप्ट नहीं कर पाता इन्वायरमेंट के साथ, वहां के इन्वायरमेंट और इसके इन्वायरमेंट में बड़ा फर्क होता है। जब वो शहर के अंदर लाहौर के अंदर आता है यहां पर तो होता क्या है, वो अडेप्ट नहीं कर पाता। दूसरा, हॉस्टल के एक्सपेंसिस अलग से उसे पे करने पड़ते हैं, एकेडमी के एक्सपेंसेस अलग से, ठीक है। चौथा, उसका जितने भी उसके इश्यूज हो रहे होते हैं, हॉस्टल के खाने का इश्यू हो रहा है, मेस इश्यूज की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, वो फोकस नहीं कर पाता MDCAT के ऊपर। तो इन सारी चीजों से आपको कौन बचा रहा है, लर्न राइट नाउ के ऑनलाइन कोर्सेज। वो क्या है, आपके घर बैठे आप लैपटॉप पे, घर बैठे आप अपने कंफर्टेबल एनवायरमेंट के अंदर, आप अपने घर के मैथ्स के साथ आप उसकी अच्छे तरीके से कंफर्टेबल होकर तैयारी कर सकते हैं। तो आउटपुट आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हर तरह का इशू है, हॉस्टल इशू, मैथ्स इशू, आपके पास अडेप्टिव इशू, एनवायरनमेंट का जो इशू है, ठीक है। तो ये सारे इशूज को इरेडिकेट कर रहा है आपका लर्न राइट नाउ का ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि इसमें आप सारे इशू से बच जाते हैं। और वहां के एजुकेशनल स्टैंडर्ड और यहाँ के एजुकेशनल स्टैंडर्ड में डिफरेंस है, यहाँ के स्टूडेंट्स इसलिए निकल जाते हैं कि यहाँ पे मैार स्टडी का थोड़ा हाई होता है, तो आपको यही चीज आपके घर पर मिल रही है, तो आप अच्छे तरीके से उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करके उसको स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, एनिमेशंस, विजुअल, जैसे मैंने पहले बात की, रिसर्च ये कहती है कि विजुअल जो चीजें होती हैं वो आपको ज्यादा देर के लिए रिटेन भी रहती हैं और उनका फायदा भी ज्यादा होता है और जल्दी चीजें याद हो जाती हैं और अच्छे वे में आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं जब आप 3D मॉडल्स के जरिए से उस चीज को स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नेक्स्ट जो मेरा सेगमेंट है या जो नेक्स्ट तरफ मैं जा रहा हूँ वो ज़रा डिफरेंट है लर्न राइट के अलावा। वो ये है कि जो UHS ने फिलहाल कोई हतमी नतज जो है डेट अनाउंस नहीं की कि जिस दिन पेपर हो रहा है, तो इसकी बड़ी कन्फ्यूजन है बच्चों में। ख़ासतौर पर हम देखा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि आया किस दिन पेपर हो रहा है और उनकी तैयारी, क्योंकि कुछ बच्चों ने तैयारी जो है वो जून से शुरू कर दी है, कुछ ने उससे पहले शुरू की हुई है, तो उनकी इस वक्त प्रोसेस में है कि वो कन्फ्यूज़ हैं, उनको पता नहीं कि पेपर कब हो रहा है। तो इस हवाले से आप क्या, आपको क्या लगता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है कि पेपर कब तक होगा, और अगर होगा तो उसमें जो है ये ऑनलाइन लर्निंग कितना हेल्पफुल साबित हो सकती है? सबसे पहले इसका डिटेल्ड वे में आंसर ये है कि ये जो MCAT है ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर आता है, लेकिन UHS itself PMDC के अंडर आती है। अब VC UHS जो है ना, वो खुद ही श्योर नहीं है कि मैंने MDCAT लेना कब है। अगर वो दो दिन पहले कोई और बात करते हैं तो PMDC की मीटिंग होती है उसके बाद, क्योंकि VC UHS डिफाइन नहीं कर सकता सिलेबस क्या होगा, VC UHS ये डिफाइन नहीं कर सकता कि हमने MCAT कब लेना है, ये डिसाइड करती है PMDC, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी मीटिंग्स होती हैं। और VC साहब जो है वो दो दिन पहले कोई और बयान दे रहे होते हैं, दो दिन बाद वो सोशल मीडिया पर आके कोई और बयान दे रहे होते हैं। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो MDCAT के एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि हमने MDCAT क्लियर करना है, वो ये कोशिश करें कि सोशल मीडिया से जितना हो सके उनकी बातों पे अभी टाइम ना दें, वो फोकस रखें अपनी स्टडी के ऊपर, ठीक है, वो फुल फोकस हो अपनी स्टडी के ऊपर। MDCAT जब हो, जब मर्जी हो, चाहे 2 महीने पहले हो, 2 महीने बाद में हो, उनकी अपनी तैयारी 100% होनी चाहिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखेंगे, वो इधर उधर की बातों में नहीं आएंगे, वो स्टूडेंट्स कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। और जहां तक रही बात MDCAT कब होगा, तो MDCAT के जो चांसेस हैं वो ये लग रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर में एक्सपेक्टेड है। पहले आपका सितंबर में हो जाता था, ठीक है, अब अक्टूबर में मैक्सिमम हो सकता है या मैक्सिमम नवंबर तक हो सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अक्टूबर या नवंबर में MDCAT हो जाएगा। वो देखते हैं, वो सेटअप पर बात कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन तरीके से लेंगे या फिर वो आपके पास फिजिकल वे से लेंगे विद SOPs, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, आपको टेंशन लेनी अपनी तैयारी की कि आप अपनी तरफ से 100% तैयार रहें, वो चाहे 1 महीना पहले लें, 1 महीना बाद में लें, आपके चीज पे जो डिपेंड करती है वो ये है कि आप अपनी तैयारी 100% रखें, ठीक है। दूसरी चीज ये है जो मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि जब एक रेस होती है तो जो स्टार्ट से तेजी से भागता ना, वो कभी नहीं जीतता।
जीतता वो है जो अपनी मंजिल के पास आके स्पीड लगाता है, ठीक है। तो जब आप मंजिल के करीब होते हैं तब जो सख्त मेहनत करता है ना वो रेस क्लियर करता है, और जो शुरू से सख्त मेहनत करना शुरू कर दे एंड पे आके वो थक जाता है और वो उस रेस को विन नहीं कर पाता। ऐसी ही कुछ बात है MDCAT से रिलेटेड। MDCAT में क्या होता है, अब स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है, उन्होंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है, दूसरे इदारों ने क्या किया, उन्होंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। जब वो क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, उनका एक एक्सपेक्टेड टाइम है सितंबर तक, ठीक है। तो सितंबर में उन्होंने क्या करना है, इन केस अगर MDCAT सितंबर में नहीं होता तो उन्होंने तो आपको जुलाई से ऑनवर्ड सितंबर तक तैयारी करवा दी है, वो आपको आपके हाल पे छोड़ देंगे। अब आपका क्या होगा, आपने पहले तो 3 महीने रेस अच्छे तरीके से लगा ली, अब तो आप लेजी हो जाएंगे क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आपका MDCAT है। अब आपके पास ना कोई लेक्चर लेने का पाथवे है, ना आप किसी के पास तैयारी कर रहे हैं, एंड पे अगर रखेंगे तो कोई इदारे वाले क्या कर देंगे, एंड पे 4-5 FLP ले लेंगे, तो उससे तैयारी नहीं। तो इस टेन्योर के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर आप लेजी हो जाएंगे, तो आपने लेजी नहीं होना। ये आपके पास बेस्ट चॉइस है कि आप लर्न राइट नाउ के ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करें। होगा क्या कि ये आपके पास कोर्सेज होंगे, साथ साथ आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, आप लेजी नहीं होंगे। आपके पास काम होगा कि हमने लेक्चर लेने हैं, हमने टेस्ट देने हैं, ठीक है, और हमने सारी वीडियोस देखनी है, कोई कंफ्यूजन हो वो आपने दूर करनी है, और आपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। तो ये आपके पास एक बेटर मौका है कि आप वहां भी लेजी नहीं हुए और आप एंड टाइम पे इस ड्यूरेशन के अंदर भी लेजी नहीं हो रहे, ठीक है। तो इस चीज को आपने इस तरह से लेके चलना है, आपने ये नहीं देखना कि अगर 2 महीने MCAT लेट हो गया तो आप क्या करें, तो ये आपके पास क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आपके पास डाटा होना चाहिए, आप बार बार उसकी सेल्फ स्टडी करें, लेक्चर्स लें, और ये लेक्चर्स आपके पास एक बेटर चांस है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप मेहनत करते रहेंगे, लेजी नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे आपने इस वक्त के स्टूडेंट का तो बता दिया जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, जो इस साल अपेयर हो रहे हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि हमारे पास MDCAT के जो अगले साल के स्टूडेंट हैं, जो इस वक्त प्री F.Sc के Part 1 में थे, अब Part 2 में जाएंगे, तो उनके लिए क्या मशवरा है आपका कि एक पूरा साल उनका आगे पड़ा हुआ है और अगले साल जाकर वो MDCAT का पेपर देंगे, तो उनके लिए कौन सा मुफीद सजेशन आपके पास मौजूद है जिससे वो बेहतर परफॉर्म कर सकें अगले साल में? स्टूडेंट्स, मेरे एक दोस्त हैं, किंग एडवर्ड में उनका एडमिशन हुआ है, वो पाकिस्तान में फर्स्ट नंबर पे आए थे, पाकिस्तान में उन्होंने टॉप किया था MDCAT और एग्रीगेट वाइज। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने फर्स्ट पोजीशन कैसे लिया, पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट कैसे आए हैं, तो उसके एक जवाब था, उसने कहा मेरे में और आप में डिफरेंस पता है किस चीज़ का है, आप में डिफरेंस ये है कि आपने MDCAT की तैयारी जुलाई से स्टार्ट की थी, जब F.Sc के बाद, और मैंने अपनी फर्स्ट ईयर के पहले दिन से स्टार्ट की थी। यही बात मैंने स्टार्ट में की है, यही बात मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि F.Sc के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, MDCAT 3 महीने की बात नहीं है, MDCAT की तैयारी आपके फर्स्ट ईयर के पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है। पहले दिन से ही आपने फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट्स पे, आपने क्लैरिटी लानी है अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर, कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं, जो चीज नहीं समझ आती वो आपने वहीं से पढ़नी है। अब मसला ये आता है, स्टूडेंट्स फिर आगे से क्वेश्चन ये करते हैं कि सर अभी तो हम F.Sc कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है MDCAT होता क्या है। तो ये आपके पास बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या करें, आप अभी से ही लर्न राइट नाउ के ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं ये आप परचेज करें, या आप जब यहां से तैयारी करेंगे तो होगा क्या, F.Sc की आपने तैयारी करनी है, अभी F.Sc अभी आपने पढ़नी है, MDCAT लेवल के लेक्चर आप F.Sc के अंदर ले रहे हैं, MDCAT की तैयारी आप F.Sc के लेवल पे कर रहे हैं, और इसका इफेक्ट आपके F.Sc पे भी होगा कि इन लेक्चर्स का फायदा आपको F.Sc पे होगा, आपके F.Sc के कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होंगे, F.Sc के मार्क्स भी आपके इनहांस होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि आप एक हायर लेवल की स्टडी कर रहे हैं F.Sc के अंदर ही, और होती वो यही चीज ही है, सिर्फ उसको अच्छे तरीके से टीचर्स ने एक्सप्लेन किया होता है, एक बहुत आला क्वालिटी की वीडियोस बनाई जाती हैं MDCAT की। तो इस लिहाज से आप जब ये लेक्चर्स लेंगे तो एक तो आपकी MDCAT की तैयारी होगी, दूसरा MDCAT के साथ साथ आपकी F.Sc स्ट्रांग होगी, तो F.Sc के अंदर ही आप MDCAT की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो F.Sc स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि अभी से ही आप लर्न राइट नाउ के लेक्चर्स ले लें और अभी से ही आप MDCAT पे फोकस रखें, क्योंकि आपकी वोकैब उन 3 महीनों में याद नहीं होती, आपके डिफरेंट लेक्चर्स वहां पे तैयार नहीं होते, तो अभी से ही आपको पता हो कि MDCAT होता किस तरह का है, हमने अपने लेक्चर्स या स्टैंडर्ड क्या रखना है अपने कॉन्सेप्ट्स का, हमने टीचर्स से क्लेरिफिकेशन कैसे करनी है अपने कॉन्सेप्ट्स की, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरह के MCQs आते हैं, तो वो अभी से ही अगर आप कोशिश करना स्टार्ट कर दें तो आप फिर इंशाल्लाह एग्रीगेट में फर्स्ट टॉप 10 में आएंगे, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका गोल एक स्ट्रांग होता है, जिनके इमेजिनेशन फिक्स होती है उनके मंजिल पे, तो वो वहां से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि F.Sc के अंदर एक कसीर तादाद ऐसे स्टूडेंट की है जो रिपीट करते हैं, जो हर साल जो है वो रिपीट में आते हैं, और एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 30% स्टूडेंट जो है वो हर साल रिपीट करते हैं। तो जो रिपीटर्स हैं इस साल ख़ास तौर पे, उनका जो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें क्या बेहतर सजेशन हो सकती है?
सबसे पहले तो इस साल इम्प्रूवर्स जो थे उनके साथ इशू ये हुआ कि गवर्नमेंट ने 3% इंक्रीज कर दिया मार्क्स, हालांकि वो इससे ज़्यादा इंक्रीज करवा सकते थे। तो एक तो उनको जो इसका ड्रॉबैक है वो तो ये बात है कि उनके सिर्फ 3% नंबर बढ़ेंगे, इन केस अगर वो एग्ज़ाम्स देते तो वो ज़्यादा भी बढ़ा सकते थे। दूसरी बात, अब वो सारा डिपेंड कर रहे हैं एम कैट के ऊपर, अब सारी सारा फोकस उन्होंने एम कैट के ऊपर करना है। दूसरी बात, जो रिपीटर्स होते हैं उनका एक गैप ऐसा आता है जिसके दौरान उनके पास ना लेक्चर्स होते हैं, ना वो अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, ना वो कहीं तैयारी कर सकते हैं, वो घर ही होते हैं। और ये टाइम बड़ा आपके पास वाइटल होता है, जो रिपीट कर रहे होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। वो क्या है, सपोज आपकी ये जो एम के आर की क्लासेस होती हैं ये जून से स्टार्ट होती हैं और टिल आपकी सितंबर तक जाती हैं, सितंबर में इन केस अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो आप रिपीटर कहलाते हैं, अगर आपने इंप्रूव करना है या रिपीट करना है। अब सितंबर से लेकर फेब तक, फरवरी के अंदर जाके आपकी अर्ली प्रेप क्लासेस होती हैं एम के आर की, और वो भी कुछ इदारे करवा रहे होते हैं, ठीक है, जो मार्केट में है। अब होता क्या है, सितंबर से लेकर फरवरी तक आप फ्री होते हैं और इस टाइम पीरियड के अंदर आप लेजी हो जाते हैं, आप दूसरी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपका जो माइंड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम में आपने फ्री नहीं रहना, इस टाइम में आपने क्या करना है, अपने आपको बिजी रखना है। अब बिजी कैसे रखेंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी जब आपको टेंशन ही नहीं है तो आप नहीं करेंगे। तो इस बिजी रखने का बेस्ट तरीका यह है कि आप ये जो लेक्चर्स होंगे आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स, और ये लेक्चर्स आप फ्रीक्वेंटली देख सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ एक बार आप देखें और खत्म हो जाएंगे, नहीं, इसको आप बार बार इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, जब भी आपको जरूरत हो, जब भी आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एफएससी स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है, एक बार आप ये सारे लेक्चर्स एफएससी की तैयारी के लिए यूज कर सकते हैं, फिर आप एमकैट में आपको दोबारा इसको परचेस करने की जरूरत नहीं है। जब आप एमकेट में आएंगे दोबारा से यही लेक्चर्स आप सुन सकते हैं, दोबारा से टेस्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स आएंगी, जो नए-नए टेस्ट हम ऐड करेंगे वो आपके पास हो सकते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल टाइम्स आप इनको देख सकते हैं। और रिपीटर्स जो हैं वो सितंबर से फरवरी तक जो फ्री रहते हैं वो फ्री टाइम पीरियड उनका खत्म हो जाएगा, वो इसी ऑनलाइन लेक्चर्स को ही यूज करेंगे, इन्हीं को ही देख देख के वो अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, एमडीकैट मोस्टली 90% आपका सेल्फ स्टडी से क्लियर होता है, और सेल्फ स्टडी से क्लियर तब होगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट्स आपके तब क्लियर होंगे जब आपको अच्छे वे से समझाया जाएगा, बातों को समझाया जाएगा, आपकी कंफ्यूजन्स को क्लियर किया जाएगा। तो रिपीटर्स के लिए ये मैसेज है कि इस टाइम एक तो ड्रॉबैक आपका ये आ गया कि आपको 3% इंक्रीज कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन उससे सेटिस्फाइड नहीं है इंप्रूवर्स, क्योंकि इससे ज्यादा इंक्रीज कर सकते थे। अब आप सिर्फ आप डिपेंड कर रहे हैं एमकैट के ऊपर, तो एमकैट के अंदर आपने जान लगानी है, आपने लेजी नहीं होना, और एंड पे ये जो 2 महीने का टाइम पीरियड जो एक्सटेंड हो रहा है एमकैट की जो तारीख आगे जा रही है, इसके दौरान आपने ऑनलाइन लेक्चर से सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस रखना है, ऑनलाइन लेक्चर साथ साथ लें, साथ सेल्फ स्टडी करें, और ये इस तरह आप लेके चलेंगे, एंड पे लेजी नहीं होना, जो एंड पे लेजी हो गया वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके अलावा इन केस जो आने वाले रिपीटर्स होंगे वो क्या होगा, उनको मैंने बता दिया कि उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं करना, सितंबर से फेब तक उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं करना, वो इन ऑनलाइन लेक्चर्स को बार बार देखें, सेल्फ स्टडी करें, और बार बार अपनी टेक्स्ट बुक को याद करें, क्योंकि टेक्स्ट बुक के ऊपर आपने अच्छा फोकस रखना है, टेक्स्ट बुक ही आपको एमडी कैट क्लियर करवाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ये जो बहुत अहम मसाइल थे बच्चों के, स्टूडेंट के, जो हमें रसीब हो रहे थे, आपने उन पे बड़ा अच्छा जो है एक सजेशन नोट करवाई है और उनको बड़ा अच्छा जो है रिव्यू दिया है। तो आई होप एमडीकेट स्टूडेंट, आई होप आप जो है आपके तमाम मसाइल जो आपके आपको पेश आ रहे हैं उन सब पे हमने गुफ्तगू कर ली है। अगर फिर भी आप कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम डिस्कस नहीं कर सके तो आप हमारे सोशल जो वेबसाइट के हमारे पेजेस हैं, जो सोशल पेजेस हैं हमारे, उन पर आप हमें अपने जो सवालात भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।